हेलो दोस्तों, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ रैंकिंग। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये टॉपिक जो है आपका बोथ प्रीलिम्स यानी कि फेज़ वन एज वेल एज फेज़ टू एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये आपका रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो आई होप आपने आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि इस बार आरबीआई ने 926 वैकेंसीज निकाली हैं और मेजरली वैकेंसीज आपको पता होगा महाराष्ट्र में है, जहां पे आरबीआई का हेडक्वार्टर है। सो इस बार एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो अगर आप हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं तो ये एग्ज़ाम आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। और स्मार्ट वर्क के लिए क्या चाहिए होता है, स्मार्ट वर्क के लिए चाहिए हमें स्ट्रैटेजी। तो अगर आप हमारे बताए गए 5 वीक प्लान या अपना खुद का एक प्लान भी आप बना सकते हैं, बट एक प्लानिंग के हिसाब से अगर आप तैयारी स्टार्ट करेंगे और अपना टाइम एलोकेट करेंगे इक्वली अलग अलग सेक्शंस के लिए, तो आई होप आप ये एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर पाएंगे। हमने अपने चैनल पे और वीडियोज़ डाली हैं अलग अलग टॉपिक्स के लिए फॉर योर आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम, तो आप वो वीडियो ज़रूर जाकर देखें जिससे कि आपको आइडिया लगे। और इसके अलावा आप हमारा 5 वीक प्लान की वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरा प्लान समझाया है कि आपको कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली और वीडियोस के बारे में पहले से ही इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ रैंकिंग, राइट। सो ये क्वेश्चन वन डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता दूं। इस हमारे रैंकिंग वाला जो टॉपिक है, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि कोई भी पर्सन होता है उसकी जो रैंक होगी, एक तो टॉप से हो सकती है और एक बॉटम से हो सकती है। अब आप खुद देखिए, आप क्लास में आपकी रैंक आती होगी जब स्कूल में, तो रैंक आप ऊपर से भी निकाल सकते हो और रैंक आप नीचे से भी निकाल सकते हो। ऐसी अगर आप किसी कोई जैसे आप लाइन में खड़े होते थे असेंबली की लाइन में या कहीं भी, तो उसमें आप कौन से नंबर पे खड़े हो वो राइट से भी पता चल सकता है और वो लेफ्ट से भी पता चल सकता है। तो मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि रैंक आपकी दो तरीके से आ सकती है, मतलब रैंक आपकी दो हो सकती है, टॉप से या बॉटम से, या फिर राइट से या लेफ्ट से। तो दो रैंक्स आपकी एक साथ आ सकती हैं। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि अगर हमें निकालना हो कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं या एक लाइन में कितने बच्चे खड़े हैं, राइट, तो उसमें हम कैसे निकाल सकते हैं, हम उसको ऐसे निकाल सकते हैं, रैंक फ्रॉम बॉटम या फिर रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम। हमारे पास दो रैंक्स आ गई बॉटम और टॉप से, उसमें अगर आप दोनों रैंक को प्लस करके अगर आप माइनस वन कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ पीपल, राइट। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप इस टॉपिक के मैक्सिमम क्वेश्चन इस सिंगल फॉर्मूले से ही पूरे कर लोगे। तो आपको दो रैंक जो दे रखी होंगी उसी सेम पर्सन की, देखो यहाँ पे सेम पर्सन की बात हो रही है ना, उसी सेम पर्सन की रैंक टॉप से, उसी सेम पर्सन की रैंक बॉटम से, या फिर उसी पर्सन की रैंक राइट से और उसी पर्सन की रैंक लेफ्ट से, उनको प्लस करके अगर माइनस वन कर दो तो हमारे पास आ जाता है टोटल नंबर ऑफ पीपल जो उस लाइन में खड़े हैं या फिर जो उस क्लास में है। तो कुछ भी अगर आपको सिचुएशन गिवन हो, तो यहाँ रैंक का मतलब आप ये मत समझिए सिर्फ, रैंक का मतलब यहाँ पे वही है कि वो किस पोजीशन पे खड़ा है, या उसकी अगर क्लास की बात करें तो क्या पोजीशन आई है। तो आओ अब मैं हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अभी हम एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो आपको ये फर्दर क्लैरिफाई हो जाएगा कि हमें ये क्वेश्चन करने कैसे हैं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, इन अ क्यू, क्यू मतलब एक लाइन में, इन अ क्यू शाहिद इज 14th फ्रॉम द फ्रंट एंड जोसेफ इज 17th फ्रॉम द एंड। अब देखो शाहिद है एक और एक जो दूसरा बच्चा है उसका नाम है जोसेफ। अब शाहिद की जो हमें रैंक दे रखी है, जो पोजीशन दे रखी है, वो हमें दे रखी है फ्रंट से। देखो उसकी पोजीशन फ्रंट से भी होगी, उसकी पोजीशन एंड से भी होगी। ऐसी जोसेफ की जो पोजीशन है वो फ्रंट से भी होगी और उसकी पोजीशन एंड से भी होगी। तो शाहिद की तो हमें पोजीशन दे रखी है फ्रंट से, वो फ्रंट से 14th नंबर पे है, ठीक है। और जो जोसेफ है वो एंड से 17th नंबर पे खड़ा है। ये दो पोजीशन हमारे पास दे रखी हैं, शाहिद और जोसेफ की, राइट। और हमें बोल रहे हैं वाइल जेन इज बिटवीन शाहिद एंड जोसेफ, और एक जेन है जो शाहिद और जोसेफ के बीच में खड़ी है। तो एक और यहाँ पे
करेक्टर हैं जेन, जो इन दोनों के बीच में खड़ी है। अब कह रहे हैं इफ सादिक, ये सादिक नहीं है, शाहिद है, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, तो इफ शाहिद इज अहेड ऑफ जोसेफ। अब कह रहे हैं शाहिद अगर जोसेफ से आगे खड़ा है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, एंड देर आर 48 पर्सन्स इन क्यू, और पूरी लाइन में टोटल 48 लोग हैं, पूरी लाइन में टोटल 48 लोग हैं और शाहिद आगे खड़ा है, राइट। तो शाहिद तो हमें दे रखा है फ्रंट से 14 नंबर पे है, तो ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा एंड है, क्योंकि शाहिद आगे है, ये हमें दे रखा है। तो शाहिद तो खड़ा है फ्रंट से 14 नंबर पे, और जोसेफ जो है वो खड़ा है एंड से 17 नंबर पे, राइट। और जेन जो है, जेन वो इन दोनों के बीच में कहीं है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि शाहिद और जेन, यानी कि शाहिद और जेन इन दोनों के बीच में कितने लोग खड़े हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, ये हमको पता लगाना है, राइट। तो अब सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आप सबसे पहले शाहिद और जोसेफ, शाहिद और जोसेफ इनके बीच में कितने लोग हैं, आप ये पता लगा लो। अब वो कैसे पता लगाओगे, अब देखो टोटल लोग हैं 48, टोटल कितने हैं, टोटल हमें गिवन है, टोटल जो लोग हैं लाइन में वो 48 हैं, और शाहिद अगर 14 नंबर पे खड़ा है तो उससे पहले 13 लोग होंगे, तो शाहिद से पहले 13 लोग खड़े हैं, और जोसेफ की बात करें तो जोसेफ एंड से 17th है ना, तो जोसेफ के बाद 16 लोग और हैं, तो जोसेफ के बाद 16 लोग और खड़े हैं। तो ये हमारे पास यहां पे इंफॉर्मेशन है, और 13 लोग शाहिद से पहले हैं और एक शाहिद खुद है, तो 14 हो गए, और जोसेफ के बाद 16 है और जोसेफ एक खुद भी है, तो 17 हो गए। तो अगर मैं इन 14 और 17 इतने लोगों को हटा दूं, तो जो बचे हुए लोग होंगे वो शाहिद और जोसेफ के बीच में ही तो लाई करेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर आप शाहिद को, शाहिद से पहले वाले लोगों को हटा दो और शाहिद को हटा दो, और जोसेफ के बाद वाले लोगों को और जोसेफ को हटा दो, तो जो बीच के बचे हुए लोग हैं, जो बीच के बचे हुए लोग हैं वो सारे शाहिद और जोसेफ के बीच में ही तो लाई करेंगे। आप इसको ध्यान से समझो, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, भाई ये है पोजीशन शाहिद की, ये है पोजीशन जेन की, और ये है पोजीशन जोसेफ की। तो अब शाहिद और जोसेफ के बीच में कितने लोग होंगे, अब सिंपली अगर आप 48 में से माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो, 48 माइनस 48 जो टोटल लोग हैं, माइनस 14 माइनस 17, तो ये आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ पीपल बिटवीन शाहिद एंड जोसेफ, तो ये आ गया 48 माइनस 31 विच इज इक्वल टू 17, तो 17 लोग हैं जो शाहिद और जोसेफ के बीच में है। बट हमें निकालना है शाहिद और जेन के बीच में कितने लोग हैं, हमें ये तो पता चल गया कि शाहिद और जोसेफ के बीच में 17 लोग हैं, बट हमें निकालना है शाहिद और जेन के बीच में कितने लोग हैं। अब इसको आप ध्यान से देखो, शाहिद और जोसेफ हमें गिवन है, जो जेन है वो इन दोनों के बिल्कुल मिडल में है। अब अगर वो बिल्कुल मिडल में है और मिडल में हमें पता है उनके बीच में 17 लोग हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे करके 8 9 10 ऐसे 17 लोग बीच में खड़े हैं, और जेन इन सब में मिडल वाली होगी ना, क्योंकि जेन तो उनके एकदम मिडल में है, तो मिडल 1 से लेके 17 के बीच में जो मिडल नंबर आएगा वो आएगा 9, तो मिडल नंबर आएगा 9, मतलब जेन जो है 9th नंबर पे खड़ी है उन दोनों के बीच में, राइट। तो अब शाहिद और जेन के बीच में कितने लोग हुए, अब तो बहुत सिंपल हो गया, तो शाहिद और जेन के बीच में 8 लोग हुए ना, क्योंकि 9th नंबर पे तो वो खुद ही खड़ी है, तो शाहिद और जेन के बीच में है 8 लोग, और ऐसे ही जेन एंड जोसेफ के बीच में भी 8 लोग ही होंगे, तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 8। तो देर आर 8 पर्सन बिटवीन शाहिद एंड जेन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो ये यहां पे भी हमारा वही फॉर्मूला यूज हो रहा था, जो हमारी दो रैंक्स हैं उसको प्लस कर दो और माइनस 1 कर दो, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पीपल आ जाते हैं। ये सिंपल फॉर्मूला आप देखोगे आपके सभी क्वेश्चंस में यूज में आएगा। तो इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 2। अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। इन अ क्यू ऑफ चिल्ड्रन, मतलब एक लाइन है बच्चों की, उसमें कशिश इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड मोना इज 6th फ्रॉम द राइट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो लोग गिवन है, कशिश और मोना, और उनकी पोजिशन भी गिवन है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी कर लो कि यहाँ पे आप लिख लो ओरिजिनल पोजीशन पहले तो, और उसके बाद न्यू पोजीशन, ओरिजिनल और न्यू पोजीशन, और किस किस की दे रखी है हमें, हमें दे रखी है पोजीशंस ऑफ मोना
या फिर इसको मैं यहाँ लिख दूँ इस चीज़ को, हमें पोजीशन किस किस की दे रखी है, हमें पोजीशन दे रखी है मोना की और कशिश की, राइट। ऐसे ही आप यहाँ पे भी लिख दो, मोना की पोजीशन और कशिश की पोजीशन, हमें इन दोनों की पोजीशंस गिवन है, राइट। और इसके अलावा हमें इनकी पोजीशन लेफ्ट और राइट दोनों से गिवन है ना, लेफ्ट और राइट दो, क्योंकि हमारे पास दो पोजीशन हो सकती है, इधर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, तो हम वो भी लिख देते हैं, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए, इस तरीके से टेबल बना के क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाएगा। तो कशिश जो है, कशिश इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो कशिश लेफ्ट ओरिजिनल पोजीशन है ना, तो कशिश इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड मोना जो है वो सिक्स्थ है फ्रॉम द राइट, तो मोना की ओरिजिनल पोजीशन है सिक्स्थ फ्रॉम द राइट। अब कह रहे हैं व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेस, अब उन्होंने अपनी जगह बदल ली, जगह बदलने के बाद क्या हुआ, कशिश बिकम्स 13th फ्रॉम द लेफ्ट, तो जो कशिश हैं उनकी नई पोजीशन हो गई 13th फ्रॉम द लेफ्ट, तो कशिश पहले थी 5th फ्रॉम द लेफ्ट, अब कशिश हो गई है 13th फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब आप इसको ऐसे समझो, कशिश जो है, कशिश मोना की पोजीशन पे चली गई है, क्योंकि इंटरचेंज किया है ना, तो कशिश मोना की पोजीशन पे चली गई है, तो ये जो मोना की पोजीशन है 6th फ्रॉम द राइट, ये जो मोना की पोजीशन है 6th फ्रॉम द राइट, ये अब कशिश यहां पे आ गई है, और कशिश की पोजीशन अब क्या, नई पोजीशन क्या हो गई 13th फ्रॉम द लेफ्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप ध्यान से समझो, इसका मतलब ये है कि मोना की ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, 13th फ्रॉम द लेफ्ट थी ना, तभी तो कशिश यहां पे पहुंच गई। अब ध्यान से समझो, कशिश मोना की जगह आई है, तो मोना की जगह आई है तो कशिश की नई पोजीशन हम बता रहे हैं 13th फ्रॉम द लेफ्ट, इसका मतलब क्या है, मोना की ओरिजिनल पोजीशन थी 13th फ्रॉम द लेफ्ट, राइट। और हमें अब निकालना क्या है, हमें निकालना है मोना पोजीशन फ्रॉम द राइट, तो मोना की नई पोजीशन निकालनी है हमें कि वो राइट, और वो भी राइट में, कि नई पोजीशन फ्रॉम द राइट मोना की क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इसका टेबल के थ्रू समझा ही दिया है। अब इसमें आप पहले, सबसे पहले निकाल लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ पीपल, उस लाइन में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन का तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया ही था, क्या है वो फॉर्मूला है, अगर आप देखो यहाँ पे मोना की हमारे पास दो पोजीशन आ गई, लेफ्ट से भी राइट से भी, तो अब हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो 13 प्लस 6 माइनस 1 यानी कि 18, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास आ गए 18, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने आ गए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास आ गए 18। तो अब आप मोना की पोजीशन निकाल सकते हो राइट में से, आसानी से निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, अब आप इसको ऐसे समझो, जो मोना है यहाँ पे, मोना की जो पोजीशन होगी वो ओरिजिनली कौन सी पोजीशन है, वो कशिश की तो पोजीशन है भाई, मोना कशिश की जगह आ गई, ठीक है, तो अब हमें निकालनी है मोना की पोजीशन फ्रॉम द राइट। तो इसको आप ऐसे समझो, इसको अगर मैं आपको बताऊं, हमें निकालनी है न्यू पोजीशन, निकालनी है हमें निकालनी है न्यू पोजीशन ऑफ मोना, न्यू पोजीशन ऑफ मोना फ्रॉम राइट, वो किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू ओरिजिनल पोजीशन ऑफ कशिश फ्रॉम राइट। भाई मोना की ओरिजिनल पोजीशन कशिश की ओरिजिनल पोजीशन के ही तो इक्वल होगी ना, क्योंकि उन्होंने इंटरचेंज करी है अपनी जगहें, राइट। तो हमें पता है कशिश की जो ओरिजिनल पोजीशन थी फ्रॉम द लेफ्ट वो थी 5th, और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें पता है 18। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कशिश पोजीशन फ्रॉम द राइट, अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कशिश पोजीशन फ्रॉम द राइट, कैसे निकाल सकते हैं इसको आप समझो, भाई हमें पता है पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम द राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि है 18। अब कशिश पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट थी 5th, और पोजीशन फ्रॉम द राइट हमें निकालनी है, उसमें से माइनस कर देंगे 1, तो आ जाएगा हमारा 18। तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमारा आंसर जो आएगा, हमारा आंसर आएगा 14। तो जो पोजीशन है मोना की फ्रॉम द राइट वो कितनी है 14th, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। मतलब यहाँ पे हमने बताया क्या है, यहाँ पे इसको आप सिंपली आप समझ गए होंगे आई होप, कि हमने यहाँ पे आपको ये बताया कि मोना की जो पोजीशन है, मोना की जो पोजीशन है न्यू पोजीशन ऑफ मोना फ्रॉम द राइट, इट इज इक्वल टू ओल्ड या फिर ओरिजिनल पोजीशन ऑफ कशिश फ्रॉम द राइट, ये दोनों बराबर होंगे ना, ऐसे ही न्यू पोजीशन ऑफ मोना फ्रॉम द लेफ्ट इज इक्वल टू ओरिजिनल पोजीशन ऑफ कशिश ऑन द लेफ्ट, ये भी होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है 14,
तो मोना की पोजीशन फ्रॉम द राइट जो है वो है 14th। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 3 को देखते हैं अब एक बार। क्वेश्चन 3 हमारा क्या कह रहा है, इट इज सेइंग इन अ रो ऑफ गर्ल्स, एक रो है उसमें कुछ गर्ल्स हैं और वो सारी की सारी नॉर्थ की तरफ फेस कर रही हैं। तो इसको मैं एक बार ऐसे बना लेता हूँ, एक नंबर लाइन की तरह बना लेता हूँ। अब देखो ये आपका राइट एंड है और ये आपका लेफ्ट एंड है, ये तो सिंपल है। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये लोग साउथ की तरफ फेस कर रहे होते तो हमारा राइट लेफ्ट चेंज हो जाता, तब हमारा राइट ये हो जाता और लेफ्ट ये हो जाता। बट ये लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं इसलिए हमारा राइट इधर है और हमारा लेफ्ट इधर है, ठीक है। तो अब इसको आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन फर्दर क्या कह रहा है, एक रिंकी है, रिंकी इज 10th टू द लेफ्ट टू पिंकी हु इज 21st फ्रॉम द राइट एंड। तो ये जो पिंकी है, पिंकी शी इज 21st फ्रॉम द राइट एंड। अब देखो इस क्वेश्चन में आप एक और चीज का ध्यान रखना, जैसे अगर आप लेफ्ट ऊपर लिख रहे हो तो आप राइट को नीचे लिख दो ताकि पोजिशन में आपको डाउट ना हो। अब राइट वाली पोजिशन हम नीचे लिखेंगे और लेफ्ट वाली पोजिशन हम ऊपर लिखेंगे ताकि हमें कोई डाउट ना हो। तो पिंकी जो है, पिंकी इज 21st फ्रॉम द राइट एंड, तो इस राइट एंड से पिंकी जो है 21st पोजिशन पे है। मान लो मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ 21 और ये मैं लिख देता हूँ, ये पिंकी की पोजिशन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, रिंकी जो है शी इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पिंकी, तो पिंकी के और 10 प्लेसेस लेफ्ट में आई है, यानी कि 31 पोजीशन पे होगी ना। तो जो रिंकी है वो 31 पोजीशन पे है फ्रॉम द राइट, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ मिंकी हु इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब एक और लड़की है यहां पे मिंकी, उनकी जो पोजीशन है वो 17th है लेकिन लेफ्ट एंड से है। अब यहां पे लेफ्ट एंड का बात आ रही है, तो शी इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज 4th टू द राइट ऑफ रिंकी। वो 17th तो है ही, पोजीशन उनकी 17 नंबर तो है ही, उसके अलावा वो रिंकी से 4 प्लेसेस राइट पे खड़ी है, यानी कि वो यहां पे कहीं है। और 31 में अगर आप 4 प्लेसेस राइट पे चले जाएंगे, यानी कि इसमें से -4 कर दो, तो इनकी पोजीशन जो हो गई वो हो गई 27th। 31 - 4 27, तो जो यहां पे मिंकी है उनकी पोजीशन है 27 फ्रॉम द राइट एंड, और लेफ्ट एंड से क्या पोजीशन है, लेफ्ट एंड से है 17। तो आप देखो मिंकी की हमारे पास दो पोजीशन आ गई, राइट से भी लेफ्ट से भी। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स उस रो में कितनी है। अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, तो पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम द राइट -1, यानी कि 17 माइनस 27 मतलब प्लस 27 माइनस 1, यानी कि 44 माइनस 1 इज इक्वल टू 43। सो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है 43, यानी कि ऑप्शन डी। यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है देयर आर 43 गर्ल्स इन द रो। अब देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं था, बस आपको यह ध्यान रखना था कि आप जब भी इस डायग्राम को बनाएं तो ये मेन यहां पे डायग्राम था, अगर आपने डायग्राम बना लिया होगा तो आपने क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लिया होगा, अदरवाइज आप लिख के कर रहे होंगे तो आपको टाइम लग गया होगा। तो अगर आप इस तरीके से नंबर लाइन बना लोगे और नंबर लाइन में लेफ्ट राइट लिख के, लेफ्ट को ऊपर या राइट को नीचे, या फिर राइट को ऊपर और लेफ्ट को नीचे लिख के आप करोगे, तो आप देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपली हो जाएगा। तो कई बार अगर हम थोड़ा सा दिमाग से डायग्राम बना के अगर हम उसको बनाएं तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से डायग्राम बना के जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो चैट बॉक्स में जरूर लिखें। तो अब हम आई थिंक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है और उस ग्रुप पे हम रेगुलरली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पोस्ट करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, लाइक आरबीआई ग्रेड बी, यूजीसी नेट, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए, ठीक है। तो उस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें क्योंकि उस ग्रुप पे आप अपनी क्वेरीज और अपने डाउट्स भी रेक्टिफाई, अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं हमारी फैकल्टी से। तो हमारी फैकल्टी आपके डाउट्स क्लियर करेगी उस ग्रुप पे। तो इस ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इस ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 4 पे। तो क्वेश्चन 4 देखिए, इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स, एक रो है जिसमें 40 गर्ल्स हैं, ठीक है। व्हेन कमला वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस, हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो
बिकेम 10। तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक लाइन बना देता हूँ, नंबर लाइन फिर से। ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया। हम मान लेते हैं कि वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं, और इस रो में 40 गर्ल्स हैं। अब कह रहे हैं कमला जो है वो शिफ्ट हो गई 4 प्लेसेस और फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब उनकी रैंक हो गई 10। इसका मतलब क्या है कि पहले वो लेफ्ट, अब देखो यहाँ पे लेफ्ट ऊपर लिखा है तो राइट नीचे लिख देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अब कह रहे हैं अब उनकी पोजीशन, पहले कुछ पोजीशन होगी बट अब वो 4 प्लेसेस से और लेफ्ट में शिफ्ट हो गई जिससे उनकी पोजीशन बन गई 10th। इसका मतलब क्या है, पहले वो 14 नंबर पे होंगी ना भाई। इसको आप ऐसे समझो कि वो जो है शिफ्ट हो गई, लेफ्ट में शिफ्ट हो गई 4 प्लेसेस से। तो मान लो पहले उनकी पोजीशन थी 14, अब वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गई और उनकी पोजीशन हो गई 10th। इसको आप ऐसे समझ लो, अब वो लेफ्ट से 10th पे है, ठीक है। अब हमें कह रहे हैं व्हाट वाज द नंबर ऑफ सुजाता फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो इफ सुजाता वाज 3 प्लेसेस अहेड टू द राइट ऑफ कमलास ओरिजिनल पोजीशन। तो हमें सुजाता की पोजीशन निकालनी है फ्रॉम द राइट एंड। अगर सुजाता जो है वो कमला की ओरिजिनल पोजीशन क्या है, कमला की ओरिजिनल पोजीशन है 14, तो कह रहे हैं सुजाता जो है वो कमला की ओरिजिनल पोजीशन से 3 प्लेसेस राइट पे हैं। तो 3 प्लेसेस राइट पे मतलब यहां पे कहीं है, ठीक है। तो हमें उनकी पोजीशन, यानी कि सुजाता जो है वो 17 हो गई, लेफ्ट से 17 हो गई, बट हमें उनकी पोजीशन निकालनी है राइट से। तो ये क्वेश्चन अब बहुत आसान हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमें पता है 40 है, हमें टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पता है 40 है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो हम इसको ऐसे कर देंगे, सुजाता रैंक फ्रॉम लेफ्ट प्लस सुजाता रैंक फ्रॉम राइट माइनस 1 इज इक्वल टू 40। तो लेफ्ट से रैंक है उनकी 17, राइट से हमें निकालनी है माइनस 1 इज इक्वल टू 40। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लो, तो राइट से जो उनकी रैंक आएगी वो आएगी 24। तो सुजाता की रैंक राइट से कितनी है, 24। तो आप देखोगे ऑप्शन में 24 है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, करेक्ट आंसर है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या है, नन ऑफ दिस। तो सुजाता की रैंक राइट साइड से 24 है। तो आपने फिर से देखा होगा कि ये नंबर लाइन बना के काफी सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, बट अगर आप इसको बिना नंबर लाइन बना के मेंटली कर सकते हैं, या इसको आप बिना नंबर लाइन बना के कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन है कि आपकी गलती ना हो, एक्यूरेसी होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी मेथड से करो। ये मेथड वैसे तो मैंने आपको समझाने के लिए करा है, तो आपको कोशिश तो यही करनी चाहिए कि आप इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि आप इसको बिना कम से कम टाइम वेस्ट करें और कम से कम पेन का इस्तेमाल करें आप कर पाएं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5, हमारा आज का फाइनल क्वेश्चन है, तो इसको रीड करते हैं एक बार। 3 पर्सन पी क्यू एंड आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, 3 लोग हैं वो एक लाइन में खड़े हैं। देयर आर 8 पर्सन बिटवीन पी एंड क्यू एंड 12 पर्सन बिटवीन क्यू एंड आर। तो पी एंड क्यू के बीच में 12 लोग हैं, 8 लोग हैं, और Q एंड R के बीच में 12 लोग हैं। तो Q एंड P इनके बीच में तो हैं 8 लोग, राइट। एंड Q एंड R, तो यहाँ पे कोई R है, तो Q एंड R इनके बीच में हैं 12 लोग, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देर आर 7 persons अहेड ऑफ R, R से आगे जो हैं 7 लोग और खड़े हैं, ठीक है, और 28 persons बिहाइंड P, और P के पीछे 28 लोग और खड़े हैं, ठीक है। तो P के जो पीछे हैं 28 लोग, टोटल 28 लोग खड़े हैं। तो हमें बताना है व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू, कि उस लाइन में फिर मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखो, हम यहां पे कैलकुलेट करते हुए चलते हैं। सबसे पहले तो ये 7 लोग जो शुरू में खड़े हैं, उसके बाद है आर, तो ये हो गई आर की पोजिशन। उसके बाद आप देखो ध्यान से, आर और क्यू के बीच में टोटल 12 लोग हैं और पी एंड क्यू के बीच में टोटल 8 लोग हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 लोग तो ये इनके बीच में, अगर मैं Q एंड R की बात करता हूं, Q एंड R की बात करूं अगर मैं आपसे, तो Q एंड R के बीच में कितने लोग हैं, 12 लोग हैं, ये हमें गिवन है, जिसमें से एक P भी है, ठीक है। और P एंड Q के बीच में 8 लोग हैं, तो एक P और एक 8, 9 लोग हो गए ना, तो 3 लोग बचे। तो R और P के बीच में तो 3 ही लोग हुए ना, R और P के बीच में 3 लोग हुए, तो 3 वो आप काउंट करो, 8 लोग फिर आप इनको, फिर आप काउंट करोगे पी को, क्योंकि पी भी तो खड़ा है बीच में, तो पी को काउंट करो। उसके बाद आप काउंट करोगे 8 लोगों को जो बीच में खड़े हैं, और फिर खड़ा है क्यू। बट इसमें आप ध्यान दो,
हमें गिवन है कि पी के बाद 28 लोग खड़े हैं, तो पी के बाद हम सीधा 28 ही लिख सकते हैं ना, हमें अलग अलग लिखना ही क्यों है। पी के बाद आप डायरेक्टली 28 लिख दो, क्योंकि उसमें सारे इंक्लूड हो जाएंगे, उसमें 8 लोग भी इंक्लूड हो जाएंगे, उसमें क्यू भी इंक्लूड हो जाएगा, तो यहां आप सीधा 28 लिख दो। तो इतने है टोटल नंबर ऑफ पीपल इस वाली रो में। तो 7 प्लस आर मतलब एक है, आर तो एक सिंगल है, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस पीपी मतलब एक सिंगल बंदा है, तो 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 1 12, और 12 प्लस 28 कितने हो गए टोटल 40। तो इस रो में टोटल 40 लोग खड़े हैं, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन बी 40। तो उस रो में टोटल 40 लोग खड़े हैं। तो इस क्वेश्चन में भी बस आपको जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना था वो था कि आप किस ऑर्डर में इनको खड़ा कर रहे हो। तो यहां पे जो ध्यान रखने वाली बात थी, अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे ध्यान रखने वाली बात थी कि आप इन तीनों को किस ऑर्डर में खड़ा कर रहे हो। अब मैंने इनको किस ऑर्डर में खड़ा किया था, यहां पे क्यू था, यहां पे पी था और यहां पे आर था। अगर आप इनको किसी और ऑर्डर में खड़ा करोगे तो आपका क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, आप इसको ऐसे कर सकते हो क्यू पी आर, ऐसे भी कर सकते हो, बट आपका पी बीच में आना चाहिए था। यहां पे यह ध्यान रखने वाली बात थी, अगर आपने पी को एंड में लिख दिया होता ऐसे पी क्यू आर, या फिर मान लीजिए आपने इसको लिख दिया होता आर क्यू पी, तो यह क्वेश्चन फिर नहीं हो पाता, क्योंकि यहां पे पी का जो पोजीशन है वो बीच में रहेगा, तभी यह क्वेश्चन हो पाएगा। क्योंकि आप खुद देखो यहां पे क्या बोला है कि आर से आगे 7 लोग हैं, ठीक है, और यहां पे हमें क्यू आर और पी क्यू के बीच में लोग दे रखे हैं, तो इसलिए हमारा जो यहां पे पोजीशन बनना था वो बनना था क्यू पी आर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रॉम द टॉपिक ऑफ रैंकिंग। तो इस तरह के कि हमने और भी वीडियोस बनाई हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग, तो आप उन वीडियोस को भी हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या अगर आपने कुछ नया सीखा हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप और वीडियोस का भी बेनिफिट उठा पाएं। सो फ्रेंड्स, आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है और आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम क्लियर करने में आप हमारी वीडियोस को जरूर देखें, जो आपको काफी हेल्प करने वाली है, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपेयर हार्ड, हैव अ नाइस डे।